हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं स्लाइडिंग चैनल है। यह आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, स्लाइडिंग फिटिंग है, ऐसे भी फिटिंग इसमें रहता है। आप देख सकते हैं इसमें सभी फिटिंग है, ऊपर नीचे का दोनों है। ये ब्लैक है, स्टॉपर है ये डोर रोकने के लिए। अब अच्छी तरह से देख सकते हैं, ये ऊपर लगता है या नीचे लगता है, और सभी फिटिंग इसमें आपको सभी क्लियर मालूम चल जाएगा स्लाइडिंग में। स्लाइडिंग चैनल है, ये नीचे की तरफ लगता है, ये ऊपर की तरफ लगता है। ये स्लाइडिंग बॉक्स है, एक कपड़ा शोरूम का काउंटर है, उसमें स्लाइडिंग लग रहा है। नीचे वाला बॉक्स ये काउंटर, उसमें स्लाइडिंग लगेगा। स्लाइडिंग चैनल में होल निकालना पड़ता है स्क्रू डालने के लिए। ये स्टॉपर है, पहले स्टॉपर लगाना पड़ता है। स्टॉपर लगाने के बाद चैनल कसते हैं। देखिए चैनल फिटिंग होने जा रहा है। इस सामने से 200 छोड़ के चैनल फिटिंग करते हैं। 200 का प्राइस देखिए लगाया हुआ है। ये नीचे वाला चैनल है, ये आप देख सकते हैं, इसको भी सामने से प्लाई डाल के कसते हैं। देखिए इधर सामने से 2 इंच छोड़ के कसते हैं, लेकिन व्हील के हिसाब से वो 3 इंच छोड़ा हुआ है। इधर 2 इंच साइड से बचेगा, आप कभी भी लगाएं 2 इंच छोड़ के लगाएं। ये व्हील है, उसका खांचा निकलेगा इधर। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं मार्क हो रहा है।
स्किन करने के लिए खांचा मारना पड़ता है, इसके लिए कटिंग होता है। स्लाइडिंग डोर ज्यादा बड़ा नहीं है, एक काउंटर स्लाइडिंग है, कपड़ा शोरूम में लगेगा। देखिए फिटिंग हुई है, अभी स्क्रू लगाएंगे, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। अभी नीचे का फिटिंग लगा देते हैं इधर, उसके बाद जो ऊपर का फिटिंग होता है उधर डाल के, स्लाइडिंग डाल के उसके बाद वो फिटिंग लगाते हैं। देख सकते हैं नीचे का फिटिंग लग गया है। देखिए इधर स्लाइडिंग चलाने जा रहे हैं। देखिए ऊपर का स्लाइड फिटिंग बाद में लगाते हैं, क्योंकि इधर दिक्कत होता है, इसलिए आसानी से इधर से लगा सकते हैं। स्टापर था, इसलिए स्टापर लगाते हैं कि डोर दरवाज़ा टच मत हो, इसलिए स्टापर लगाते हैं।